दोस्तों, इंसान हमारे सौरमंडल में ऐसे ऐसे उपग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां मानव जीवन संभव हो सके, ताकि कोई बड़ी आपदा आ जाए तो इंसानों की प्रजाति बची रहे और उनका अंत ऐसे ना हो जैसे कि एक समय में डायनासोर का हुआ था, और किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन अच्छे से फल फूल सके। वैसे तो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। वैसे भी उस पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती थी। वहीं बाहरी ग्रह जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर हैं, जहां जीवन संभव हो पाना ना के बराबर है। अब बचे 4 आंतरिक ग्रह, जिसमें पहला बुध ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक व सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है, जहां वायुमंडल ना के बराबर है। इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह कोई भी प्राकृतिक मौसम नहीं है, जहां इसका तापमान भी 250 डिग्री से कहीं ज्यादा ऊपर रहता है, जिसके कारण यह भी वो ग्रह है जहां पर हम नहीं रह सकते। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों ने घेर रखा है और इसकी सतह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी अगर पहुंचने में कामयाब भी हो जाती है तो वह वहीं पर रह जाती है, जो वहां पर मौजूद बादलों के कारण वापस नहीं आ पाती। इन्हीं कारणों के चलते इसका सतह काफी ज्यादा गर्म रहता है, इतना ज्यादा गर्म कि यह किसी शीशे को भी पिघला दे। 1982 में सोवियत यूनियन साइंस एकेडमी के साइंटिस्टों ने वेनेरा 13 नामक प्लेन यहाँ पर उतरवा दिया था। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि जो वहाँ के वातावरण में कुछ देर रहकर वहाँ की फोटो हमारे पास भेज सके, लेकिन कुछ ही घंटों में इसकी पूरी मशीनरी जलकर राख हो गई। शुक्र के सरफेस का तापमान लगभग 500 डिग्री से कहीं ज्यादा था। तो दोस्तों, यह भी वो ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन संभव हो सके। यहाँ पर मनुष्य 1 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। जीवन संभव होना तो काफी दूर की बात है। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। अभी तक मंगल पर 55 मिशन जा चुके हैं, जिसमें से 15 सक्सेसफुली रहे और 8 अभी भी चल रहे हैं, जिनमें से 2 मोस्ट यूजफुल रहे, यानी कि वो सबसे ज्यादा जानकारी दे पाए। व्यास के आधार पर अगर देखा जाए तो मंगल हमारी पृथ्वी से करीबन आधा है, जिसमें मंगल के घूमने की क्रिया व वायुमंडल लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में मंगल ग्रह पर पानी होने के सबसे ज्यादा संभावना है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर तरल जल मौजूद नहीं है, लेकिन इसके दक्षिणी भाग में एक बर्फ की काफी बड़ी परत का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, जहाँ यदि इस पूरी बर्फ को पिघला दिया जाए तो पूरे मंगल की सतह पर लगभग 11 फीट तक पानी ढक जाएगा। भूवैज्ञानिकों ने डाटा इकट्ठा किया तो इसके अनुसार मंगल ग्रह पर एक समय में तरल पानी भी काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित था। मंगल के वातावरण में 93.2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7 नाइट्रोजन और 0.3% ऑक्सीजन मौजूद है। वहीं वैज्ञानिक इसके ऑक्सीजन को 20% तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर यूरेनियम, थोरियम और भी काफी सारे रेडियो एक्टिव तत्व मिले हैं, जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस विषय पर यूएफोलॉजिस्ट जॉन फ्रेडन का मानना है कि मंगल ग्रह पर एक समय में कोई एलियन सभ्यता रहती होगी और उसे किसी एडवांस सभ्यता ने न्यूक्लियर जैसे किसी घातक बम से खत्म कर दिया होगा। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई बड़ा प्रमाण तो नहीं था, और खोजकर्ताओं के हाथ भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं लगा है जिससे ये बात कही जा सके कि यहाँ पर कोई सभ्यता रहती होगी। हालांकि इन सभी बातों के उत्तर हमें नासा के मिशन जर्नी टू मार्स से मिल सकते हैं, जिसमें नासा मनुष्यों को मंगल पर भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं नासा लोगों को चांद पर भी भेजने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। नासा ने इस मिशन पर करोड़ों का खर्चा किया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और यदि ऑफबीट पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।